पागे पड़ करो अति आतरण देते आतरण का कोशिश के पागे पापा लेके आते थे का तीन के लिए देखा मैंने भगे बोले वो मन गोचाली में गोचाली है क्या हुआ बाबा क्या कर रहे हो बेटे महाराज भाई फसला अरे क्या कर रहे हो बेटे आपको क्या चाहिए बेटे भाई जाए हाथ मन भागे बोला आतरण देते अरे आतरण का कोशिश कर ले अरे बेटे आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए ओ बाबा माता जी का आशीर्वाद चाहिए ओ बाबा हे हरसाम ऋषि महाराज हे देव को माता जी देव मुग्रा माता जय हनुमान दादा आज बेटा भीरेश कुमार तुम्हारे चरणों में तुम्हारे आगे है ना दर्शन के लिए आ रहे उनको भी दर्शन दो माता जी उनकी भी मनोकामना पूर्ण करने दो जय माता जी जय माता जी हाँ गीता बेटी हाँ गीता बेटी जी बाबा आपने आमंत्रित किया मैं तुम्हारे गांव में आया और क्या बेटे बेटे आप तुम्हारा गांव है मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारे जो गांव के सरपंच साहब उन्होंने बोला था कि बाबा मैं सरपंच बनूंगा तो अप्रैल महीने में 21 तारीख को है ने राशि मामा की पार्टी मंगाऊंगा बोले तो देखो बेटे आज गाँव का है पूरा चार्ज उनको दिया है गाँव के मुख्य बन गए है तो बेटे आज है ना तुमने क्या करा उल्टा उल्टा राजा अपने आवाज जी महाराज भारी आवाज आवे ने आवाज रे मई की ना काई ले काई ले काई ले हारती बजे महाराज जी हाय हारती अरे बेटे हम के बजे को तो भी बजे पर पर जीतिया बाबा अरे बेटे मेरे रोजी रोटी पे तू लात मारे हो मेरे बाबा ऐसे हम करेंगे बाबा तेरे बेटे मेरे पीठ पे मारो लेकिन मेरे पेट पे मत मारो बेटे ये मेरी है नहीं ये किस्मत का है ना खेल है बेटा देखो बेटी देखो बाबा आज को तो ये तो ये बाबा हमने है सत्य मार्ग दर्शन देखा है बाबा आज हमारा भगवान है तो हमारा गुरु भी तू है बाबा आज हमने यानी महिमा देखा भी हमारा घरी सुख संप्रदाय बाबा आज तो यू हमारा को मैं चरण पादुका पड़िया आज तो भक्ति लगी की हम तमाम हरदी है बाबा त्या खातिर बाबा तो नाव की दर वर्षी हम प्रोग्राम कहते हैं माता जी आराधना कहते हैं भगवान आराधना कहते हैं आने गांव करी नाम भोजन कराते हैं बाबा तो कृपा की के रहते हैं बाबा मुँह बस बेटा बस देखो ये तो है ना मानो मानो सेवा है हाँ बाबा ये कहावत है मेरे परम पिता ने कहा था कि बेटे मानो सेवा ईश्वर सेवा सत्य है बाबा भगवान ही है नहीं मानो है नहीं भगवान ही लेकिन पहचान वाला होना हाँ। देखो बेटी हाँ बाबा आप आरती लेके आओ और मेरे भक्तजनों को एक निवेदन है आरती शुरुआत प्रोग्राम शुरुआत होने से पहले आरती होती है हाँ। कोई भी आरती होती है बराबर तो आरती शुरुआत होगी मेरे सभी भक्तजनों को एक निवेदन मैं नम्र विनती करता हूँ जिसको भी है नहीं अष्टम ऋषि महाराज हनुमान दादा देवगढ़ माता पांडुरी माता देवोग्रह माता जिसको भी माता का साक्षात दर्शन करने का हो तो यहाँ पे आरती शुरुआत होगी आरती में है नहीं 5-10 रुपए डालकर है नहीं अपन है नहीं माता जी के चरणों में दर्शन कर सकते हो और कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटी पढ़ाई करते हैं तो इनकी नौकरी लग जावे तो तुम है नहीं उनकी श्रद्धा लेकर तुम है यहाँ पे आरती में है नहीं दर्शन कर सकते हो सभी की है नहीं मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जिसके घर पे संकट होगा जो दुख होगा वो दूर भी है दूर हो जाएगा बोलो जो मुग्रा माता की बोलो जो माता की पांडुरी माता की बोला अष्ट गुरु जी महाराज की बोला चंचली माता की बोला हनुमान दादा की बोला बेनी हेदा की बोला सरस्वती माता की हे देवुंगा माँ हे माँ कल्याणी हे माँ स्वरूपी आज तो अन्नपूर्णा माता है आज तो कोणारी पालनारी कोणारी गुतनारी तुम है माता कहा दिया नौ खंड वेद के आज पीढ़ी मकड़ी जीव जंतु पशु पक्षी मानव दानव तुम आत्मा कल्याण कहती आत्मा शांत कहती माता आज तो दरबार में आज के डो आंगला हुए पांगला हुए लुला हुए लेंगड़ा हुए पियल भी तो सत्य राह दिखाती सत्य मार्ग दर्शन दिखाती माता आज तो दरबार में स्वरूप है माता तू चौसठ जोगनी स्वरूपी है आज तो आवन की हूँ तो पुकार की हूँ
शुभ समय तो आराधना की हूँ तो हवन की हूँ माता। आज चाहे तो आकाश मेरी पाता मेरी धरती पेटू मेरी देवी माँ पड़ी दू ना जी अन्मा पुकारू ना जी माँ प्रार्थना स्वीकार के जी। आज गीता सरकार वाला को जो हवन की तवेरी आज तुझे मनोकामना पूरी के जी मन इच्छा पूरी के जी भरत मंदिर क्रमेश जी आज सत्य विनती है माता कहा का तू जो सर दो स्वरूप है तो बारम्बार हवन की एक दीपाई होना दीवाले पागे पोरिन मान सोना चांदी लेवाए जोजे का पोरा मा शिक्षण में रान जोजे का आन दिन बाजार जाओ शहर जाओ मान वक्त वारो ने लगान जोजे किन पागे पोरना रो क्या जे एनो दीवो है ओ दीवो आपू तांबा रुचि महाराज आए आज केला भी देवाई आज दीवाल पागे पोड़ते है ओ दीवो खूब महत्व वाले है। ये अग्नि माता जल माता ये जीवा आपू जीवन ना है ये ले आज आपू मना में सरदाली राजे मनम छतिबली आज याले पागे पोनो हूं बापु खाना खामनो पूर्ण वेनारो जे माता जी जय आशीर्वाद।
ए मारा।